हेलो डियर CUET एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो सभी लोग? एंड बहुत सारे स्टूडेंट को इसका इंतजार था कि भैया कितने मार्क्स पे हमारा इस बार एडमिशन हो जाने वाला है, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं एंड DU जामिया BHU के अंदर अलग अलग कोर्सेज के अंदर क्या कंपटीशन रहने वाला है और भैया कट ऑफ कितना जाने वाला है, राइट? सो आज अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन के रिगार्डिंग परेशान हैं कि भैया क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट, बहुत सारे बॉयज स्टूडेंट बिलोंग टू मैनी मैनी विलेजेज इन द बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड अदर, तेलंगाना, बेंगलोर एंड जस्ट लाइक सीकर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, राइट? यार उनको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, एडमिशन कैसे होगा, हमारे इतने मार्क्स आए, हमें चॉइसेस के बारे में पता नहीं है, राइट? सो हम क्या करें, क्या नहीं करें? सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी इन लास्ट 5 ईयर्स। सो जो है 2020 के अंदर हमारा मिशन इंजीनियरिंग वाला एडमिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम इन लास्ट 3 ईयर्स, जिसके अंदर जो आपका सारा का सारा एडमिशन कंप्लीट किया जाता है हमारी टीम की तरफ से, और आप इसको जस्ट गारंटेड एडमिशन टाइप ही समझ सकते हो, जिसके अंदर 100% हमारी टीम ट्राई करती है कि आपका एडमिशन हो जाए इन द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड मैनी मैनी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके? सो इसमें बेसिकली क्या होता है यार, स्पेशल डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट बची हुई है, स्पॉट एडमिशन कैसे होता है। सो जो है आपका एडमिशन 100% करा दिया जाता है, अगर बाई चांस नहीं होता है देन जो है आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी प्रॉब्लम होता है कि भैया मैं कौन सी इंजीनियरिंग करूँ, प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, फूड साइंस, कैसी करूँ, हमें कुछ पता भी नहीं है इंजीनियरिंगों के बारे में, आने वाले 10 साल बाद मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना प्लेसमेंट होगा, क्या नहीं होगा। सर इसके रिगार्डिंग जो अगर आप हमारे मेंबरशिप प्लान लेते हैं देन उसके अंदर सब कुछ जो है आपकी डिटेल के अंदर क्लासेस ली जाती है, बताया जाता है आपको कि भैया कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हैं देन जस्ट आगने वाले 10 साल बाद आपको कितनी जॉब मिलेगी, कितना परसेंट प्लेसमेंट होगा, कितनी सैलरी मिल रही होगी, आप कहाँ पर जॉब करोगे, अगर आप मैकेनिकल करते हो, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो, अगर आप फिजिक्स करते हो, अगर आप कोई ऑनर्स कोर्स करते हो, देन आपका क्या स्कोप है, आपको कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आपके CUET में मार्क्स कम है देन आपको कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपका एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मार्क्स के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे। सो उसके लिए जो है आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर जो है गारंटेड एडमिशन हो जाता है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट लाइक ऑफिशियली प्रोसेस, जो भी नॉर्मल एडमिशन होता है उसी प्रकार से कराया जाता है, लेकिन हमारी टीम फुल डेडिकेटेड वर्किंग रिगार्डिंग दैट, किस में कितनी सीट बची है, ठीक है, स्पॉट राउंड किस में चल रहा है, गूगल फॉर्म, ईमेल के जरिए एडमिशन, सारा का सारा कंप्लीट में एडमिशन कराया जाता है एंड दिस इज़ वेरी 99.99% सक्सेसफुल इन 2020, 2021 एंड 20 जस्ट लाइक ये 2 सेशन है, ठीक है, एंड 29, ओके? सो जस्ट अपन देख लेते हैं अब क्या सारा सीन है, भैया DU के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है। मैं BA LLB कर रहा हूँ, मैं BSc कर रहा हूँ, मेरे को जस्ट लाइक अदर कोर्सेज करना है, मेरे को फोनर्स BSc मैथमेटिक्स करना है, मेरे को लॉ का करना है, राइट? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना कट ऑफ रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। सर आप सभी को पता होगा यार 400 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है? पिछले बार भी जो है CUET का टेस्ट कंडक्ट किया गया था लेकिन वो कुछ कॉलेजों के लिए था, ओके? अब जो है बहुत सारे कॉलेज जो है BTech भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भैया BTech CSE जो है कितनी कट ऑफ पे मिल जाएगा, 400 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि BTech CSE में मिल जाए। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस नहीं भी प्रोवाइड करते हैं BTech, वो JEE के बेसिस पे देते हैं, बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड भी करते हैं, राइट? सर सबसे ज़्यादा जो क्रेज है वो है एक तो लॉ के कॉलेजेस डिग्री प्रोवाइड जो करते हैं, एक जो है जस्ट लाइक होनर्स वाले जो कोर्सेज है, जैसे BSc होनर्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो भी है, राइट? एंड जस्ट लाइक फार्मेसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, फार्मेसी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बहुत सारे ले रहे हैं BSc डिप्लोमा एंड अदर। सो भैया इसमें क्या कट ऑफ रहने वाला, राइट? सर जस्ट लाइक आप मान के चलो 400 का जस्ट लाइक जो है
400 मार्क्स का होने वाला है। एंड आप सभी को पता होगा 1 करोड़ कुछ एप्लीकेशन फिल किए गए ऑलरेडी, ठीक है। तो जस्ट जो है इस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो है 400 में से 400 भी आ जाएंगे, ठीक है, 400 में से 400 भी आ जाएंगे, क्योंकि यार जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चल रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट जेई की तरह ही। सो जो है आप मान के चलो कि 400 में से 400 भी बहुत सारे स्टूडेंट के आएंगे। जो टॉप कोर्सेज हैं उसमें जो कट ऑफ आएगी आप मान के चलो 360 प्लस मार्क्स, ठीक है, अंदर टॉप कोर्सेज स्पेशली जस्ट लाइक जो टॉप स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अगर वो कोर्स है बीटेक प्रोवाइड कर रहा है इन सीएससी, तो स्टूडेंट उसी की तरफ भागेंगे, राइट। तो वो जो है 360 प्री क्लोज हो जाएगी, तो भैया जिसके 320 है उसको कैसे मिलेगा, राइट। सो अब आगे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है छोड़ के चले जाते हैं सीट, तो वो जो स्पोर्ट राउंड में फिलिंग होती है, स्पोर्ट राउंड में भी बच जाती है, देन ईमेल के जरिए फिलिंग होती है, राइट। एंड बहुत बार जो है फिलिंग होती ही नहीं क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, वो किसी से मिलता ही नहीं कि भैया मेरे को सीट चाहिए सीट नहीं चाहिए, राइट। तो काउंसलर है एडमिशन गाइडर वो बैठे रहते बेचारे किसको सीट मिल जाए। तो जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जस्ट हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, आप हेल्प जरूर ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हूँ, दिस इज नोके, ठीक है, क्योंकि हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट की, देन इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ले सकते हो प्लान अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, ठीक है, वरना नॉर्मली गाइड हम यूट्यूब पर भी कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो यार जो टॉप कोर्सेज हैं अब इसके लिए ना स्पेशल जितने भी ब्रांचेज है जैसे BA है, ठीक है, BA LLB है, BEd है, ओके, एंड मैनी अदर कोर्सेज है जैसे फार्मेसी है, ओके, BSc होनर्स कंप्यूटर साइंस है, BSc होनर्स फिजिक्स है, ओके, एस्ट्रोनॉमी है, एंड जो जितने भी BEd है LLB कोर्सेज है सभी के जो जितने भी कोर्सेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, ओके, आपने इतने कोर्सेज है कि आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, मेरे लिए याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए PDF फॉर्मेट बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे उन सभी के जो रिव्यू वीडियोज है, कट ऑफ मार्क्स है, वो इसके ऊपर एक पर वीडियो डल रहे होंगे, जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक जो है सारे के सारे वीडियोस डल जाएंगे कि इन फ्यूचर क्या जॉब है क्या नहीं है। तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। एंड जस्ट खूब सपोर्ट करिए यार मेरा भी, जस्ट इंस्टा अकाउंट मैंने आजकल बनाया भी, तो जस्ट उसको जाके फॉलो करो, उसके ऊपर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डालता रहता हूँ रिगार्डिंग द बेस्ट क्वेश्चंस एंड कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, राइट। एंड जस्ट कट ऑफ मार्क्स हर कोर्सेज के लिए जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए यार अलग अलग जस्ट डिसाइड करके आपको दिखा दिया जाएगा कि इसके लिए इतना इसके लिए इतना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो जस्ट जो है हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो आपके जस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो। अगर आप न्यू वेस्ट वीडियो देख रहे हो देन सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि DU का, जामिया का, हरियाणा का, राजस्थान का, BHU का इतना कट ऑफ है, राइट। जम्मू के कॉलेज, गुजरात के कॉलेज, जस्ट लाइक हिमाचल के कॉलेज, पंजाब के कॉलेज, इसका इतना रहा, इसका इतना रहा, गलगोटिया का इतना रहा है। एंड हमारा जो है CUET के रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेज रियलिटी शो भी बना दिया गया है, एंड स्पेशली उस पर वर्क चल रहा है कि भैया कौन सा कॉलेज कैसा है, उस पर भी वर्क चल रहा है। एंड स्पेशली जो फोकस है वो फील्ड के ऊपर एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज के ऊपर कि भैया किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो जस्ट आप जो है उसका भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर जो है गारंटेड एडमिशन कराया जाता है हमारी टीम की तरफ से, फुल्ली मतलब गारंटी टाइप की, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है देन आपका जो है अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी आपका रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन जस्ट फुल ट्राई करते हैं। अगर आपका बाई चांस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं होता देन NIT लाइक कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनमें जो है डायरेक्टली 12th बेसिस पे भी होता है, या फिर स्पोर्ट एडमिशन भी होता है, या फिर मैनेजमेंट एडमिशन भी होता है। कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हो, MBM जोधपुर है, RTU कोटा है, CTE उदयपुर है, IKE गुजरात, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि जलंधर के अंदर है भाई, NIT लाइक काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है। एंड गुरु गोविंद सिंह जो भी है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि द्वारका दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज है। JEK दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे कॉलेज आते हैं, JEK चंडीगढ़ में भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेज आते हैं, रीफ राजस्थान में काफ़ी अच्छे कॉलेजेज आते हैं, SCPC गुजरात में भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेज आते हैं, ओके, देन WBJEE में काफ़ी अच्छे कॉलेज आते हैं, TNEA तेलंगाना स्टेट काउंसिलिंग प्रोग्राम उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज आते हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको आप टारगेट कर सकते हो। सर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, जैसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लाखों ऐसे कॉलेज लिस्टें भरी पड़ी हैं जिसके अंदर आप जो है डायरेक्टली जा सकते हो, लाखों का प्लेसमेंट जो है फोड़ सकते हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका CUET ही एक लास्ट लिमिट हो गई है। IITs भी है, NITs भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है, बीट्स पिलानी भी है। ओके।